नमस्ते सभी को। ये बात हो रही थी कि अभी हम अपनी शक्तियों का आमतौर पे जो है बहिर्नियोजन करते हैं, यानी बाहर लगाते हैं। जैसे कल भी चर्चा हो रही थी कि ज्यादातर समय हमारा ध्यान जो है बाहर की ओर रहता है, भौतिक रासायनिक वस्तुओं पे होता है, उनके साथ जुड़ी हुई घटनाओं पे होता है या दूसरे के व्यवहार पे होता है। अब उसे ध्यान को समेट कर अपनी ओर ले आना है, तो हमारा ध्यान आमतौर पर बाहर की ओर रहता है, बाहर की होने वाली घटनाओं पे, अन्य व्यक्ति के व्यवहार पे, सुविधाओं पे। तो जैसे जैसे इस अभ्यास में हम प्रवृत्त होते हैं, या आपको दिखा होगा कि ध्यान हमारा अंदर की ओर जाने लगता है, अपने भाव विचार की ओर जाने लगता है, और यही कुल करने का काम है। तो जब हम स्वयं पे ध्यान देना शुरू करते हैं, तो हमारी परतंत्रता किस प्रकार बाहर की ओर बनी हुई है सुख पाने के लिए, हमारे अंदर क्या विचार चल रहा है, क्या भाव बना हुआ है, क्या समझ पा रहे हैं, क्या नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरा का व्यवहार तो बाहर है, परंतु शंका मेरे भीतर है, इन बातों पे हमारा ध्यान जाने लगता है। अब जब इन बातों पे हमारा ध्यान जाता है, तो इस समझ के साथ, इस सजगता के साथ, इस तैयारी के साथ, फिर मैं बाहर के साथ निर्वाह करता हूँ। तो इनिशियल फेज में देखें तो हम बाहर ध्यान दे रहे हैं, जो परावर्तन की स्थिति है, और उसमें आमतौर पर मानने की क्रिया हमारे व्यवहार को, हमारे कार्य को प्रभावित करती रहती है। यानी हम अपनी शक्तियों को बाहर क्यों लगा रहे हैं, उसे समेट कर जब हम प्रत्यावर्तन करते हैं, स्वयं में ध्यान देते हैं, जानने के लिए प्रयास करते हैं, तो मानना जो बना हुआ है पहले से उसका मूल्यांकन भी हो पाता है, और उसमें जो जानने की वस्तु है उस पर ध्यान भी दे पाते हैं, तो हम अपनी शक्तियों को अंदर क्यों लगा पाते हैं। शक्ति मतलब हमारी इच्छा की शक्ति, विचार की शक्ति, आशा की शक्ति, इसको हम स्वयं में लगा पाते हैं। और फिर जब ये काम हमारे अंदर हो रहा होता है, और फिर हम जब बाहर निर्वाह करते हैं, तो अंतः नियोजन पूर्वक बहिर्नियोजन होता है। यानी स्वयं में जो तैयारी बन गई, स्वयं में जो विकास हुआ, उसके साथ फिर हम परस्परता में भागीदारी करते हैं, उसी को प्रत्यावर्तन पूर्वक परावर्तन कहा। यही कुल करने का काम है कि नहीं, और ये हम लोग कर भी रहे हैं। देवन से देखें तो जब आपसे पूछ रहे हैं कि सुख स्वभाव या प्रभाव है, तो प्रभाव का मतलब कि बाहर से कुछ पाकर सुखी होने का अगर हम प्रयास कर रहे हैं, तो ध्यान बाहर की ओर है। अगर सुख को स्वभाव के रूप में देखना शुरू कर रहे हैं, तो यानी हम उसको भीतर देख रहे हैं, और स्वभाव में स्थापित होकर फिर हम परस्परता में निर्वाह कर रहे हैं, यही कुल करने का काम है। इसी में मेरा विकास है, इसी में मेरे संबंधी का विकास है। ये भी बात हुई थी कि यह एक विधि है, न कि एकमात्र विधि है, और मुझे लगता है हम सब लोग इस चीज को देख पा रहे हैं। तो अभ्यास एक में, जैसे पहले ध्यान आकर्षण कराया गया कि हम स्वयं द्वारा, मैं द्वारा यानी चैतन्य द्वारा, स्वयं को यानी मैं को यानी चैतन्य को देखने का अभ्यास करेंगे। तो चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखना है, मेरे द्वारा मुझे देखना है। तो तीन शब्द आए थे, दृष्टा, दृश्य और दर्शन, यानी ध्यान, ध्येय और ध्याता। तो ध्याता यानी दृष्टा मैं हूँ, दृश्य यानी ध्येय मैं है, और ध्यान मुझे देना है यानी दर्शन मुझे करना है। तो वैसे आप देखें तो बहुत सरल सी बात है। मैं ही दृश्य हूँ, मैं ही दृष्टा हूँ, मुझे ही देखना है, बाधा कहाँ है। तो ये भी समझ में आता है कि जो भी बाधा है वो मेरे भीतर है, क्योंकि मुझे स्वयं को ही देखना है। तो अगर कोई बाधा होगी भी, तो मैं ही उसको निर्मित करता हूँ, मैं ही उसको अपने आप में खड़ा करता हूँ। तो धीरे धीरे अपने को दिखाई देगा कि अल्टीमेटली जो देखने में कठिनाई है, वो मेरी ही बनाई हुई है, मेरे ही बिना जाने माने हुए बहुत सारी चीजों का जो मान्यता बन गया, प्रवृत्तियां बन गई, अभ्यास बन गए, वही रुकावट है, अन्यथा कोई रुकावट नहीं है। इससे अपने अंदर जिम्मेदारी का भाव और बढ़ जाता है ना, कि क्या मैं उसको प्रायोरिटी दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ। तो मैं ही दृश्य हूँ, मैं ही दृष्टा हूँ, मुझे स्वयं को देखना है। तो जीवन शक्तियों का अंतर नियोजन करना है, प्रत्यावर्तन करना है, उसके साथ ही परावर्तन करेंगे। ये अभ्यास एक है। तो जैसा बात हुआ था कि अभ्यास एक में मैं द्वारा मैं को देखना, यानी चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखना। अभ्यास दो में मैं द्वारा शरीर को देखना, यानी चैतन्य द्वारा जड़ को देखना। तो अगर पूरी प्रकृति में देखें तो जड़ और चैतन्य दो तरह की इकाइयां हैं। मैं अपनी ओर ध्यान देता हूँ, शरीर को ध्यान देता हूँ,
तो मुझे पूरा संसार स्पष्ट होने लगता है, क्योंकि तो पूरे संसार पूरी प्रकृति में जड़ है और चैतन्य है। तो वैसे देखें तो प्रकृति तो बहुत फैली हुई है ना, इतनी तरह की इकाइयां, इतने रूप रंग में इकाइयां, ठीक, और इतने सारे ग्रह गोल और उस पर इतनी सारी इकाइयां। परंतु एक बार मुझे प्रायोरिटी बन जाती है, मैं अंतर नियोजन कर पाता हूँ, तो काम बहुत सरल दिखाई देता है कि मुझे अपनी ओर ध्यान देना है, शरीर को ध्यान देना है। अपनी ओर ध्यान देते हुए मैं चैतन्य को समझ पाता हूँ, शरीर को ध्यान देते हुए मैं जड़ को समझ पाता हूँ, और ध्यान देते हैं तो दिखता है मैं भी शून्य में हूँ, शरीर भी शून्य में है, और शून्य के माध्यम से ही मैं शरीर के साथ संबंध का निर्वाह कर रहा हूँ। तो अभ्यास तीन जिसको अभी हम लोग नहीं कर रहे ना, और उसके लिए अगर तैयारी बन जाती है, तो ये दिखता है कि अल्टीमेटली मैं अपनी ओर ध्यान देकर, शरीर को ध्यान देकर, और दोनों के शून्य में बने रहते हुए किस प्रकार क्रियाशील है, इस पे ध्यान देकर मैं समूचे अस्तित्व को समझ सकता हूँ। उसकी तैयारी तो बन सकती है बहुत ठीक से कि नहीं, इस चीज को अगर हम अप्रिशिएट कर पाते हैं तो काम बहुत सरल दिखता है। मैंने ही अपने आप को फैला रखा है बाहर, मुझे ही समेटना है अपनी कल्पनाशीलता को, ध्येय ठीक करना है ना, अपने दृश्य को जो बाहर फैला हुआ है स्वयं की ओर समेट के लाना है, यही कुल करने का काम है। मैं मुझको देख रहा हूँ, फिर मैं वो प्रक्रिया घट रही है देखने की, फिर मैं वो प्रक्रिया को देख रहा हूँ जो घट रही है उसको। तो एक प्रश्न है कि ये मेरे बारे में चल रहा है तो ये कहाँ तक चलेगा, ये एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न मेरे मन में ये आ रहा है कि मैं मुझको देख रहा हूं तो मैं मुझ में घटनी घट रही क्रिया को देख पाऊंगा, एक। और दूसरा, हम कल बात कर रहे थे कि मेरी स्थिति उसको भी मैं, मगर क्रिया कुछ घट नहीं रही है, तो मेरी स्थिति क्या है? देखिए, इसमें दो भाग में इसको रख सकते हैं। एक तो जैसे अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो जो आप जी बात रखना चाह रहे हैं उसके लिए जो आप विचार कर रहे हैं वो दिख रहा है कि नहीं, है जी दिख रहा है ना। तो विचार भी आप में है और देखने जी। वाले भी आप पे हैं, तो आप विचार को देख भी पा रहे हैं। एक तो सिंपल सा ये है कि अगर वैलिडेट करने जाए तो दिखता है कि मैं स्वयं में होने वाली क्रियाओं को देख पाता हूँ जी ना, एक उदाहरण से अगर चलें तो दिखता है अपने को। दूसरी तरफ से अगर हम उसको विश्लेषण करें तो पता लगेगा कि हमारा ज्यादातर जो अभ्यास विचार करने का भी है, या उसमें जो हम इन्फरेंसेस ड्रॉ करते हैं, वो चैतन्य द्वारा जड़ को देखने का है। तो फिर वहां पे रिकर्शन जैसी चीज लगती है। जैसे एक सामान्य सा उदाहरण जो रखा गया है कई बार, कि मैं एक आईना बन जाऊं और मेरे सामने आईना हो, तो आईना में अनंत आईनाओं का प्रतिबिंबन होगा, है ना, तो लगता है कि रिकर्शन हो रहा है। तो क्या है, जैसे हम उस आईना के प्रतिबिंबन को या आईना के चित्र को ले आते हैं अपने अंदर, तब तो इस तरह की घटनाएं लगती हैं। परंतु उसको अगर हटा दें, क्योंकि कई बार ज्ञान के लिए इस तरह के उदाहरण भी दिए गए हैं, तो वो क्या है, जड़ वस्तु के आधार पर जो हम विश्लेषण करने जाते हैं तब ये कठिनाई लगती है, रिकर्शन जैसी कठिनाई लगती है। परंतु अपने में दिखता है, एक उदाहरण से भी लेके चले तो मैं अपने आप को देख पाता हूँ। इसमें होता क्या है कि मेरे अंदर कई क्रियाएं हो रही हैं, तो एक क्रिया दूसरी क्रिया को देख सकती है। दूसरा, उस क्रिया के भीतर भी जो क्रिया की वस्तु है उसको मैं देख सकता हूँ, जहां से मैं खड़ा हूं। मैं चाहे कल्पनाशीलता के आयाम से देखूं, चाहे मैं अनुभव के आयाम से, ज्ञान के आयाम से देखूं, मैं देख सकता हूँ, है ना। और उसको हम लोग उदाहरण से स्पष्ट कर लेते हैं, तो ये पता लगेगा कि अभी चूंकि जो हम कंपैरिजन करते हैं वो चैतन्य द्वारा जड़ को देखने का जो अभ्यास है हमारा, उससे हाँ करते हैं, इससे कठिनाई मालूम देती है, अदरवाइज कोई कठिनाई नहीं है। जी, मतलब हम कर पाते हैं ये, मगर हम उसको जी समझने के लिए एनोलॉजी या उदाहरण देते, हाँ, वो देते, इसलिए वो लग रहा है। वो मगर हम जड़ ले में ये, आते हैं। हाँ, जी हम में एक क्षमता है हमको देखने की। बिल्कुल है, बिल्कुल जी है। जी 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 धन्यवाद जैसे अभी समाज। कुछ, जी, कोई आस्वादन के लिए हाँ चयन हो रहा है हमारे अंदर, देख पाते हैं, हाँ भाई कुछ मीठा खा जाए, मीठा हो जाए, कुछ मीठा खाया जाए, मैं इसको देख पाता हूँ, आप इसको देख पाते हैं। तो
हम अपने अंदर होने वाली क्रियाओं को तो देख ही लेते हैं, क्रिया की वस्तु को भी देख लेते हैं कहाँ आरोपित हो रही है। इसमें तीसरी बात यह है कि जो दृष्टा है, शुद्ध दृष्टा है, वो भी मेरे भीतर है। तो अभी हम जब देखने का प्रयास करते हैं तो विचार द्वारा विचार को देखते हैं, या विचार द्वारा भाव को देखने का प्रयास करते हैं, या भाव के आधार पे विचार देखने का प्रयास करते हैं, या भाव द्वारा भाव को देखने का प्रयास करते हैं। अभी कल्पनाशीलता में ही हम आरोपित करते रहते हैं, देखने वाले को भी और दृश्य को भी। परंतु हमारे अंदर एक शुद्ध दृष्टा है जिसको अनुभव का आयाम कहा, वहां से जब देखते हैं तो जो है वो भी दिखता है और जो सहज स्वीकार है वो भी दिखता है। तो धीरे धीरे उसको एक्टिवेट करना है, उसको जागृत करना है। तो ये जो दूसरी बात आप कहना चाह रहे थे कि इसमें परिवर्तनशीलता दिखती है, निरंतरता नहीं, वो इसलिए क्योंकि अगर हम विचार में क्षण क्षण में बदलने वाली वस्तु को देखते हैं तब तो परिवर्तनशीलता दिखती है। परंतु यदि शुद्ध दृष्टा के स्तर पर जाके देखते हैं अनुभव के आयाम से, तो उस विचार के जो अंतर्निहित सहज स्वीकृत भाव है, उसके जो जिसके आधार पर जिसके अपेक्षा में वो विचार चल रहा है, जिसके अपेक्षा में वो भाव बन रहा है, वो भी स्पष्ट होने लगता है। तो हमें उसे भी एक्टिवेट करना है ना। तो मूल काम तो इतना ही है कि शुद्ध दृष्टा के भाव में स्थापित होकर ऑब्जर्व करना है। फिर आप पाएंगे कि उसमें धीरे धीरे भाषा का भी कोई बहुत महत्व नहीं रहता, बीच में विचार का भी महत्व नहीं रहता। मैं शुद्ध दृष्टा के रूप में देख रहा होता हूँ और दृश्य मेरे सामने होता है, और बिना कुछ इसमें मेल मिलाए, बिना कुछ इसमें जोड़े घटाए उसको देख सकता हूँ। ठीक, तो अपने को धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंचना है। और जो कठिनाई मालूम देती है ना, वो इसलिए क्योंकि उसी में मेरा सुख है ये बात हमें स्पष्ट नहीं रहता, बल्कि उसको लेकर हमारे अंदर शंकाएं रहती हैं। तो इसमें हम सबको समय लगता है कि ये दिख जाए कि उसी में मेरा सुख है। जैसे अगर हम इसको देखने का भी प्रयास करें कि शुद्ध दृष्टा भाव में जाकर मुझे देखना है तो क्या उसी में मेरा सुख है। तो अभी हमारे जो बहुत सारे कंसर्न्स बने हुए हैं शरीर के स्तर पर, या शरीर के स्तर पर जो हम निर्वाह कर रहे हैं संबंधों का, उसके स्तर पर उत्पादन कर रहे हैं, भागीदारी कर उसके स्तर पर, तो लगता है कहीं बाधित ना हो जाए, कहीं छूट ना जाए। तो मूल समस्या वहां है। जी जी, धन्यवाद कुमार भैया। और वो मतलब अनुभव से वो दृष्टा में प्रस्थापित होना, नहीं तो ये विचार से हम, मतलब आपने जो वो ये बात कही कि हम विचार से भावों से अपने देखने पे आरोपित करते हैं, वो प्रक्रिया भी काफी महत्वपूर्ण लगी। जी, तो जी, हमें तो धीरे धीरे अपने को इस स्थिति में लाना है कि हम अनुभव के आयाम से देख पाए शुद्ध दृष्टा की तरह, जी बिना किसी उसमें मिलावट किए। जी, जी बहुत बढ़िया भैया। दृष्टा समझ में आ रहा है, लेकिन हम ये मन देख रहा, मन मन को देख रहा है, यानी कि विचार विचार को देख रहे हैं, भाव भाव को देख रहे हैं, लेकिन दृष्टा उसको देख रहा है, ये दोनों में फर्क समझ में नहीं आ रहा। उसका मतलब यह है कि हम सहज स्वीकृति को देखें, कुल मतलब इतना ही। तो विचार में कुछ चल रहा है। सहज स्वीकृति है या केवल स्वीकृति है, इसमें डिफरेंस कैसे करें? वही वो पता लगेगा। जैसे हम अगर प्रयोजन को देखने का प्रयास करें, अपने चाहने को देखने का प्रयास करें, तो पता लगता है। जैसे हो सकता है किसी व्यक्ति के साथ संबंध को लेकर अपने अंदर उधेड़ बुन चल रहा है, ठीक है ना, उसने ऐसा कह दिया, फिर मैंने ऐसा कह दिया, ठीक हुआ नहीं हुआ, वट एवर, और लेकर हम घंटों हो सकता है अपने अंदर विचार कर रहे हैं। वो अपने आप से पूछें कि उस व्यक्ति के साथ मैं चाहता क्या हूँ, संबंध का भाव या विरोध का भाव। तत्क्षण उत्तर मिलता है, संबंध का भाव। तो जब हम चाहने को क्वेश्चनिंग करते हैं, प्रयोजन को क्वेश्चनिंग करते हैं, तो हमें सहज स्वीकृति स्पष्ट होने लगती है। और आप पाएंगे कि जितनी देर हमको स्पष्ट रहता है कि मैं संबंध का भाव ही चाहता हूँ उस व्यक्ति के साथ, उतनी देर तक कि जो विचारों में सारा उधेड़बुन चल रहा था वो रिलैक्स हो जाता है। फिर हम संबंध के भाव के अर्थ में क्या भागीदारी करनी है, क्या प्रयास करना है, क्या विचार करना है, उधर ध्यान देते हैं। अन्यथा जो घटना हुई उसको लेकर हम अपने अंदर बहुत सारा विश्लेषण तुलन कर रहे होते हैं, ठीक, उसमें भाव हमारे बनते बिगड़ते रहते हैं, और जो हमें निर्णय लेने हैं उस निर्णय में उतार चढ़ाव बना रहता है। परंतु यदि सहज स्वीकृति को जाके देखते हैं कि है क्या, चाहता क्या हूँ, तो बदल का संबंध चाहता हूँ, फिर आप पाएंगे कि विचार के आयाम में एक अलग स्थिति बन जाती है, आपकी कल्पनाशीलता की एक अलग स्थिति बन जाती है। तो वहां स्थापित होना अपने आप को।
तो इकाई को इकाई की तरह देख पाए, इकाई के साथ संबंध को देख पाए, है ना, उसके साथ अपनी भागीदारी को देख पाए, उसके साथ फिर हम विचार करें। तो विचार तो हमारा चलता रहेगा, परंतु इस स्पष्टता के साथ चलेगा। अभी चूंकि स्पष्टता नहीं है तो कई बार होता यह है कि हम ध्यान करने जैसी चीजों के लिए प्रयास भी करते हैं, बैठते हैं, पर पता चला कि समय के बाद थकने लगते हैं, है ना, क्योंकि वो जो कल्पनाशीलता चली वो इतनी बोझल हो गई कि हम थक जाते हैं। इसलिए क्योंकि हम सहज स्वीकृति वाले भाग को नहीं देख पाए, दृष्टा भाव के साथ नहीं देख पाए। विचार हम देख रहे हैं तो जो आप चिंतन की जो बात कर रहे थे, फिर वही आएगी कि हम उसको पूरी व्यवस्था में जो भी स्वयं के साथ संबंध के साथ और प्रकृति के साथ उस श्रृंखला में या उस सीक्वेंस में जब हमारे विचार जाएंगे तो धीरे धीरे हमें सहज स्वीकृति स्पष्ट होगी, यही मतलब है भैया? नहीं, उल्टा होगा। जब सहज स्वीकृति स्पष्ट होगी तब उस क्रम में विचार चलेंगे, और सहज स्वीकृति स्पष्ट होने के लिए अपने अंदर ये पूछना कि मैं चाहता क्या हूँ, ये बहुत आवश्यक भाग है। उसको नहीं पूछेंगे तो हम विचारों में घूमते रहेंगे। अब देखते हैं, चाहना तो उसी में रहने की होती है, बात तो योग्यता की होती है। वहां पे भी आप देखें तो अगर हमें ये स्पष्ट बना रहता है तो दूसरे की योग्यता को विकसित करने का विचार चलता है, अगर स्पष्ट नहीं रहता तो दूसरे की अयोग्यता तक संघर्ष करने का विचार चलता है। दूसरे की योग्यता कितनी विकसित होगी ये हमारे हाथ में नहीं है, परंतु भागीदारी तो हमारे ही हाथ में, यानी हमारे ही निर्णय से होने वाला है। तो मेरा हर निर्णय तो उसी भागीदारी के अर्थ में होगा कि दूसरे की योग्यता कैसे विकसित हो। चाहे जितनी भी अयोग्यता के साथ जी रहा है, ठीक, उसकी अयोग्यता को देखते हुए मेरी क्या भागीदारी बनती है, उसका तो मैं विचार कर ही सकता हूँ। अभी होता है कि उसकी अयोग्यता का हम ज्यादा विश्लेषण करते हैं, जबकि अगर हमको भाव स्पष्ट हो तो उसी अयोग्यता का विश्लेषण मूल्यांकन एक समय में पूरा हो जाता है, और फिर उसके बाद हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं कि मुझे क्या भागीदारी करनी है, और मूल में जाके आधार को देखेंगे कि जो संबंध पूर्वक जीना चाहता हूं मैं उस व्यक्ति के साथ, ये चाहना होती क्या है, ये संबंध होता क्या है, मैं क्या हूँ, ये अगला व्यक्ति क्या है, यानी हम और मौलिक स्तर पर देख रहे हैं। ठीक, तो उसके और मौलिक स्तर पर देखते हैं तो बोध के लिए तैयारी बनती है, और मौलिक स्तर पर देखते हैं तो अनुभव की तैयारी बनती है। मतलब हम इसको फैमिली और ये अगर समाज की बात को हटा दें तो ये संभव नहीं है पूरा रियलाइजेशन? देखिए, उसमें फिर यह होगा ना कि अल्टीमेटली देखें तो मुद्दा, अभी जिसको हम फैमिली कहते हैं, कुछ सिलेक्टेड लोग जो एक मैं और शरीर के अस्तित्व के रूप में हमारे साथ शारीरिक नजदीकी के साथ बने हुए हैं, तो मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा तो जड़ को समझना, चैतन्य को समझना, चैतन्य और चैतन्य के संबंध को समझना, जड़ और जड़ के संबंध को समझना, चैतन्य और जड़ के संबंध को समझना, ये तीन जो अंतर संबंध है इसको समझना है। मुद्दा ये है, ये परिवार में भी है, परिवार के बाहर भी है। तो ये तो ठीक बात है कि अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर लें कि मुझे इन्हीं चार लोगों से संबंध को पहचानना है तब मैं आगे बढ़ूंगा तो फंसावट होगी, ये भी एक मान्यता है। तो मूल मुद्दा तो इन तीन संबंधों को समझना है, चैतन्य का चैतन्य से, जड़ का जड़ से, चैतन्य का जड़ से। ये परिवार के भीतर भी है, परिवार के बाहर भी है। तो जैसे जैसे हमको संबंध समझ में आता है तो उस रूप में हम परिवार को प्रॉपरली प्लेस कर पाते हैं। तो अगर परिवार के भीतर लोगों के अंदर अभी ये तैयारी नहीं है और बाहर है तो हम समय उसके अनुसार लगाते हैं। तो अगर परिवार के भीतर समझने की अभी इतनी तैयारी नहीं है तो जितनी तैयारी है उसके अनुसार भागीदारी करता हूँ, बाहर है उसके अनुसार भागीदारी करता हूँ। तो मेरी भागीदारी निश्चित है, मेरा कार्यक्रम निश्चित है, ठीक। और मैं अपने आप को फिर यहाँ पे ऐसा नहीं मान लेता हूँ कि पहले इन्हीं व्यक्ति के साथ ये प्रोग्राम बनाना है या ये है ना विधि अपनानी है फिर दूसरे के साथ, ऐसा नहीं। मेरा भागीदारी तो हर जड़ इकाई के साथ है, हर चैतन्य इकाई के साथ है। तो जो आप लेवल्स को स्किप करने की बात कर रहे हैं, बेसिकली उसमें भी क्या होता है कि हम प्रयास करते हैं और उसके फल परिणाम नहीं आते तो हम थोड़े परेशान होते हैं। तो क्या हुआ, वहां भी एक मान्यता बन गई कि पहले इन्हीं व्यक्ति के साथ मुझे संबंध को पहचानना है, या इन्हीं व्यक्ति के साथ मुझे पहले उस फल परिणाम को अपने आप में दिखाना है या उसको स्थापित करना है, तब जाकर मैं आगे बढ़ूंगा, तो वो भी एक कठिनाई बन जाती है। तो मूल मुद्दा तो जड़ चैतन्य को समझना और इनकी संपृक्तता को समझना, ये है। इस क्रम में परिवार सहायक है,
परिवार से ये होता है कि अभी हमारी जो अपनी स्थिति होती है वो परिवार में जीते हुए हमको परिलक्षित होने लगती है, दिखने लगती है। तो परिवार का तो उपकार है कि हमको हमारा मूल्यांकन करने में सहयोग करता है, परंतु उसका मतलब ये भी नहीं कि हम परिवार में ही, परिवार की सीमा में ही भागीदारी करेंगे। हम तो पूरी व्यवस्था में भागीदारी करेंगे, पूरी परंपरा में भागीदारी करेंगे। परिवार एक अवसर है, गली मोहल्ला एक अवसर है, समाज एक अवसर है हमारे लिए। भागीदारी तो हमारी पूरी मानव परंपरा में है। जब भी हम देखते हैं तो वो तो मतलब नीचे की स्थिति से ही नीचे की स्थिति को देख पा रहे हैं, तो क्या ऐसा ही है भैया? वही तो, अभी हम जहाँ खड़े हैं वहां से देखने का प्रयास कर रहे हैं और साथ साथ अपनी सह स्वीकृति को देख रहे हैं। जितना जितना सह स्वीकृति को देख रहे हैं उतना उतना ऊपर के आयाम से देखने की हमारी तैयारी बन रही है, चाहना को देखने के आधार पर। तो जब मैं पूछता हूँ कि मैं चाहता क्या हूँ अगले व्यक्ति से, तो वहां मैं चिंतन को जागृत करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो वहां से खड़े होकर देखने का प्रयास कर रहा हूँ अगले व्यक्ति है क्या, इसको जब देखने का प्रयास कर रहा हूँ तो बोध के अवसर से देखने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, और किस प्रकार शून्य में बने रहते हुए मैं भी हूँ, अगला व्यक्ति भी है आदि, इसको देखने का जब प्रयास कर रहे हैं तो अनुभव के अवसर से देखने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु क्योंकि अभी हम ज्यादातर समय उस भागीदारी में उलझ जाते हैं, तो भागीदारी से देखना शुरू करेंगे, आगे और देखेंगे कि मैं वास्तव में हूँ क्या, अगला व्यक्ति वास्तव में है क्या, ये शरीर वास्तव में है क्या, उसको भी देखेंगे। तो जब मैं कहता हूँ कि दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है या नहीं, इसको पूछता हूँ, तो उत्तर मिलता है कि हाँ। परंतु और गहरे में उत्तर मिलता है या प्रश्न बनता है कि दूसरा है क्या, मैं हूँ क्या, ये चाहना होती क्या है। इसको जब आप ठीक से स्पष्ट करने जाएंगे तो दिखता है कि ये अल्टीमेटली तो शून्य में संपृक्तता के स्तर पे जब मैं ये देख पाता हूँ कि शून्य में बने रहते हुए हर इकाई है दूसरी इकाई के साथ परस्परता को पहचानती निर्वाह करती है, वही चाहना है मेरी, तो चाहना को भी उस स्तर पर स्पष्ट कर पाते हैं। तो अभी चाहना को जब देखना शुरू करते हैं तो भागीदारी से देखना शुरू करते हैं, धीरे धीरे वो संपृक्तता के स्तर पर भी स्पष्ट होने लगती है। परंतु अभी हम जहाँ खड़े वहां से चलना शुरू करेंगे। निरंतरता किस चीज में है उसको हम देखेंगे अपने आप में, निरंतरता किस चीज में है। तो जब सहज स्वीकृति को देखते हैं तो वहां निरंतरता दिखाई देती है, बट ये चाहना किस प्रकार बनी हुई है ना, ये चाहना ऐसी ही कैसे है, इसको देखने जाते हैं तो फिर संपृक्तता को देखने की तैयारी बनती है कि ऐसा कैसे है कि मैं सुखी होना ही चाहता हूँ, सुखी करना ही चाहता हूँ, इसका आधार क्या है। तो चिंतन के स्तर पे तो ये स्पष्ट होता है कि हाँ मैं सुखी करना चाहता हूँ, सुखी होना चाहता हूँ, दूसरा सुखी करना चाहता है, इतना तो ठीक है, बट इसका आधार क्या है, कैसे है, ऐसे कैसे है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को सुखी ही करना चाहता है, और ये सुख क्या है अल्टीमेटली। तो इन सब चीजों को जब हम क्वेश्चनिंग शुरू करते हैं तो फिर आगे की तैयारी बनती है हमारी। मैं ये जो चाह रहा हूँ, मैं यही क्यों चाह रहा हूँ, ये प्रश्न बनता है। बिल्कुल बनता है। इसके पीछे मैं जाने के सुखी पीछे होना भी क्यों क्या चाहता हूँ, मैं होगा? दूसरों को सुखी करना क्यों चाहता हूँ, जी ये प्रश्न तो बनेगा ही। देखिए, हाँ, ये जब तो तक बनता है। प्रश्न है अपने अंदर तब तक समाधान नहीं है। तो प्रश्न विहीन हो जाए अपने अंदर तो तभी होता है जब हम, है ना, परम तक देख लें, संपूर्ण तक देख लें। मैं ये पूछ रहा था भैया, चित्रण में जो इच्छा और संस्कार है, तो जब हम शक्तियों का अंतर्नियोजन करेंगे तो इच्छा अपडेट होगी कि संस्कार अपडेट होंगे? दोनों ही होंगे, संस्कार अपडेट इस माध्यम से होगा या इस रूप में होगा कि उसमें परिमार्जन होगा। अब वो सही समझ सही भाव के आधार पर तैयार होगा, जो स्वीकृतियां बन गई हमारे अंदर, और अगर ऐसा होगा तो इच्छा भी हमारी परिमार्जित होगी। अब हम भागीदारी को अलग स्तर पे देखेंगे, मान्यताओं के आधार पे, मान्यताओं के दबाव या प्रभाव में नहीं देखेंगे, समझ और भाव के आधार पे देखेंगे। शक्तियों का अंतर्नियोजन करने जाएंगे तो पहले इच्छा ही सामने आएगी कि ये इच्छा क्यों बनी है, क्या भाव है इसके पीछे। वो डिपेंड करता है, बट हाँ इच्छा के स्तर पे तो काम करेंगे, मतलब वो पहले सामने आए या अगर हम दिख पाए तो बहुत अच्छे, अदरवाइज विचार से शुरू करेंगे, विचार जी, के मूल में इच्छा को देखेंगे। समाधान की स्थिति है जिसको समाधान अपन कह रहे, तो वो चित्रण तक ही रहता है या वो चिंतन में जाता है, कि समाधान मतलब चित्रण के अंदर ही क्लियर हो जाता है फिर हम चिंतन में जा पाते हैं? भैया दो शब्द हैं, ज्ञान और समाधान, तो जी अगर उनके
शब्दों के बीच की सीमा को अगर अंकित करना हो तो ब्लॉक B1 के लिए ज्ञान प्रयोग करेंगे, ब्लॉक B2 के लिए समाधान प्रयोग करेंगे। जी जी, पर यदि संपूर्ण को समाधान कह रहे हैं तो पूरे ब्लॉक B1 B2 में समाधान रख देंगे। बट वैसे ज्ञान के आधार पर समाधान कहना बनता है, तो ज्ञान को ब्लॉक B1 में रखेंगे, समाधान को ब्लॉक B2 में रखेंगे। जो मानव लक्ष्य स्पष्टता है, जिसको कई बार विवेक भी कहा, तो उसमें जो भाव की निश्चितता है वो चिंतन की वस्तु है। उसके आधार पर भागीदारी कैसे करना है, इसका जो चित्रण है वो चित्रण की स्थिति है। तो मानव लक्ष्य स्पष्टता में दोनों जुड़े हुए, चित्रण भी और चिंतन भी। जी, वो कनेक्ट करता है ज्ञान जो है, और नीचे का जो भाग वो विज्ञान है। तो ज्ञान से विवेक, विवेक से विज्ञान। तो समाधान को देखें तो एक भाग उसमें विवेक का है, फिर विज्ञान का है। तो मानव लक्ष्य की स्पष्टता तो ज्ञान से ही होगी ना। ठीक बात है। तो मानव लक्ष्य जो है वो जीने के अर्थ में है, तो उसको हम कल्पनाशीलता से देखना शुरू कर रहे हैं, जिसमें अच्छा। समाधान है ना, बट मूल में तो ज्ञान है। तो मानव के चारों लक्ष्यों में देखें, चाहे समाधान कहें, समृद्धि कहें, अभय कहें, अस्तित्व कहें, उसके मूल में तो चिंतन बोध अनुभव रहेगा ही, तब वो जीने में आएगा। जी भैया, इसको ऐसा मान सकते हैं कि वैल्यू एजुकेशन साइंस है। हाँ, बट उसके मूल में देखना होगा। तो वैसे तो वैल्यू एजुकेशन को कहाँ हम प्लेस कर रहे हैं, अगर मेयरली आप उसको टीचिंग पेडागॉजी में प्लेस कर रहे हैं तब तो साइंस है, बट उसे कंटेंट को भी अगर आप लेके जाएंगे तो फिर ज्ञान और विवेक भी जुड़ेगा, यानी ज्ञान भी जुड़ेगा, समाधान भी जुड़ेगा। तो अगर सिंपली पेडागॉजी के रूप में देखें, स्किल वाले पार्ट को देखें, उसमें तब तो विज्ञान करना ठीक है, परंतु उसके मूल में जो वस्तु है, वैल्यू एजुकेशन का कंटेंट कहाँ से आएगा और उस कंटेंट के साथ एक्सप्लोरेशन कैसे चलेगा, उसके अचीवमेंट कैसे होंगे स्वयं में, उन सबको जोड़ेंगे तो उसमें ज्ञान, विवेक, विज्ञान तीनों ही जोड़ना पड़ेगा। जी भैया, तो यह संस्कार तो हर क्षण हमारे में बनते ही रहते हैं भैया। देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि बनते ही रहें, तो ऐसा नहीं आके कुछ भी संस्कार में बैठ जाएगा। अब जो मेरे स्वभाव में है, जो मेरी सहस्वीकृति हाँ। है, वो स्पष्ट होगी और संस्कार उस रूप में परिमार्जित होंगे। ये होगा, ये है ना कि जो पहले भी बात हुई है कि एक छोर पे तो हम अनुभव के लिए काम करते हैं, दूसरे छोर पर हम मानवीय परंपरा में भागीदार होने के लिए भागीदारी करते हैं। तो ये जो दूसरा छोर है भी महत्वपूर्ण है। अगर हम भागीदारी को रोक के रखें तो पाएंगे कि फिर वो हम विचार में ही ज्यादा समय घूमते रहते हैं। तो भागीदारी को भी बढ़ाना है। तो भागीदारी जितनी फैलेगी, बढ़ेगी, उतनी प्रायोरिटी सेट होगी ज्ञान के लिए। तो ये हम सब जरूरी है। तो भागीदारी वाले जो भाग है ना, उसको भी थोड़ा हम ध्यान में ले आए कि कैसे हमारा हर क्षण सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी के लिए, मानवीय परंपरा भागीदारी के लिए लग जाए, समर्पित हो जाए। ये वाला भाग अगर उसको हम वंचित रखेंगे तो फिर स्वयं में ज्ञान के लिए प्रयास के बजाय विचार में ही ज्यादा काम होगा। तो जो जीने वाला भाग है, भागीदारी वाला भाग है, उसको तो बढ़ाना है। देखो, भाव ठीक होने से आगे क्या करना है उसको सोचने वाला पार्ट तो विचार में ही आएगा ना। हाँ हाँ, तो भाव ठीक होने से हमारे ना संबंध का भाव बना रहता है, फिर जो लिमिटेड अवसरों पे हम उसको निर्वाह करते हैं, उसके बजाय हम अगले व्यक्ति से निर्वाह कर रहे होते हैं, नियमित रूप से कर रहे होते हैं, कुछ लिमिटेड अवसरों पे जाकर हम कुछ है ना शरीर के स्तर पर, सुविधा के स्तर पर निर्वाह कर पाते हैं, बाकी समय भाव के स्तर पर, विचार के स्तर पर निर्वाह कर रहे होते हैं। ये समय समय पर कॉल करके पूछते रहना सब कुछ ठीक है कि नहीं, उनकी कोई समस्या है तो उस समस्या को सुलझाने में अपना भागीदारी देते रहना, अगर उन सबके साथ बने रहते हैं, और मुख्य रूप से अगले व्यक्ति को ज्ञान के कार्यक्रम में लगा पाना, जोड़ पाना, ये मुख्य भागीदारी है। एक बार हम ये कर पाते हैं तो अगले व्यक्ति की अपेक्षा हमसे बदलने लगती है, फिर आपको उनको दिखता है कि जो सुविधा आप उनके लिए लगाते हैं वो आप समाज के लिए लगा रहे हैं, हर व्यक्ति में ज्ञान सुनिश्चित उसके लगा रहे हैं, तो अपेक्षा भी नहीं रहती उसकी कि आप ऐसे महंगे गिफ्ट लेकर आए। तो ये जितनी बात हुई अभी, तो अगर आप उसमें देखें तो मुख्य मुद्दा तो मैं पे ध्यान देने का है, मैं ही देखने वाला हूँ, है ना, आंखों का तो बहुत रोल रहा नहीं जो पिछले एक घंटे में हमने चर्चा की। तो देखने वाला मैं हूँ, आंखें नहीं, तो स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना है। इसलिए हम आंखों की क्या स्थिति हो उसको हम तय कर सकते हैं। क्या मुझे आंखें माध्यम से कल्पनाशीलता को देखने की जरूरत है? अपना
अपनी कल्पनाशीलता को देखने के लिए कि आंख की आवश्यकता है भी या नहीं, तो नहीं है तो आंखों को आराम देंगे, खुला रखें, बंद रखें, आधा खुला रखें, आधा बंद रखें, जैसा अपने को ठीक लगे। क्या मुझे शरीर से कोई काम लेना है, तो अपने भाव को देखने के लिए मुझे शरीर से काम लेने की आवश्यकता है क्या, तो नहीं है तो शरीर को भी आराम दे सकते हैं, किसी भी आसन में किसी भी स्थिति में उसको रख सकते हैं जिससे हमारा ध्यान बना रहे। मुख्य मुद्दा तो अपनी ओर ध्यान देने का है। तो इस पर हम लोग कल और विस्तार से बात करेंगे। तो आज इतनी बात हुई, तो हम लोगों ने बारीकी से देखने वाले भाग को, तो उसमें अनुभव के आयाम में क्या काम होना है, कल्पनाशीलता के आयाम में क्या काम होना है, उस पर हमने चर्चा की। तो आज अभ्यास रूप में इसी को रखेंगे कि अभी हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम कितनी बार कल्पनाशीलता में ही घूम रहे हैं और कितनी बार हम दृष्टा भाव में जाकर सहज स्वीकृति को देखने का अभ्यास कर रहे हैं, इसको आज असाइनमेंट ग्रुप में करेंगे।